Assalamu alaikum, dear all. I welcome you to my channel Shahid Sir's Education Point and very good morning to all of you. This class is for class 6th semester. तो देखिए बेटा, आपको पता है कि हम डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो जो प्रीवियस लेक्चर था वो डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में था. लेकिन बेटा, जब मैं आपका पेपर देख रहा था, मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखे जो हमने नहीं पढ़े, तो इसलिए आज हम लेकर वही पॉइंट्स लेकर आए हैं अडल्ट एजुकेशन को लेकर. मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने स्किप किए थे, तो जब मैंने पेपर देखा तो मैंने देखा भाई बहुत सारे पॉइंट जो है मिस हुए हैं, तो इसलिए मैं आपका आपको लेकर ले आया कि जो मिसिंग पॉइंट्स हैं जो हमने नहीं पढ़े अभी तक, तो वो हम आज आपके सामने लेकर आए हैं. तो इंशाल्लाह इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कल एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए बेटा ध्यान रहे कि ये पॉइंट्स मैंने आपको नहीं बताए. तो आज हमारा जो वीडियो है वो बिल्कुल शॉर्ट होने वाला है, इट विल टेक ओनली 5 to 6 minutes, सो जस्ट सिट ट्यून्ड विद योर शाहिद सर. ओके, थैंक यू. देखिए, सबसे पहले हमने बात करी थी एंड्रोगॉजी की. तो एंड्रोगॉजी में क्या है, वी स्टडी ऑल अबाउट द टेक्निक्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन. जिस तरह पेडागॉजी में हम इंस्ट्रक्शन, साइंटिफिक इंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू द चाइल्ड, लेकिन एंड्रोगॉजी में हम यही टेक्निक्स अप्लाई करते हैं. किसको स्टडी करने के लिए, अडल्ट एजुकेशन करने के लिए. तो ये जो एंड्रोगॉजी है, ये टर्म किसने कॉइन की थी, दैट वॉज कॉइनड बाई मैलकॉम नॉवेल्स, एंड मैलकॉम नॉवेल इज क्रेडिटेड एज द फादर ऑफ अडल्ट एजुकेशन. बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रखेंगे. मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी बोला है, लेकिन अगर नहीं भी बोला है तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैलकॉम नॉवेल्स जो है, इट इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एडल्ट एजुकेशन, एंड ये वो बंदा है जिसने कॉइन की थी टर्म किसको, एंड्रोगॉजी को. तो एंड्रोगॉजी इज रिलेटेड विद व्हाट एजुकेशन, इट इज अडल्ट एजुकेशन. नंबर सेकंड पॉइंट, तो मैंने ये डेफिनेशंस आपको नहीं बताई थी कि अकॉर्डिंग टू गांधी ने अडल्ट एजुकेशन के बारे में क्या कहा है. तो अकॉर्डिंग टू द गांधी कहता है कि अडल्ट एजुकेशन इज फॉर लाइफ, अडल्ट एजुकेशन फॉर लाइफ, थ्रू लाइफ एंड फॉर होल लाइफ. अडल्ट एजुकेशन फॉर लाइफ, थ्रू लाइफ, फॉर होल लाइफ. आप प्रीवियस पेपर चेक करो बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने यहां पे लाया है. तो ये आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द गांधी जी, अडल्ट एजुकेशन इज फॉर लाइफ, थ्रू लाइफ एंड फॉर द होल लाइफ. दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड अनदर टर्म, दिस हैज बीन ऑल्सो आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, KG Saidan, वन ऑफ द लीडिंग एजुकेशनिस्ट ऑफ J&K, लीडिंग एजुकेशनिस्ट ऑफ J&K, KG Saidan, इसने क्या कहा कि अडल्ट एजुकेशन इंक्लूड्स पॉलिटिकल, सिविक एज वेल एज मॉरल एजुकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था. तो KG Saidan के मुताबिक जो अडल्ट एजुकेशन है, क्या क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल, सिविक एज वेल एज मॉरल एजुकेशन. ओके, ये तो ऑलरेडी आपको याद रहेगा. आफ्टर दैट, वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया गया था, 8th September 1967, फर्स्ट टाइम. तो 8th September जो है, इट इज वर्ल्ड लिटरेसी डे. इसको लेकर हम एक पॉइंट और ऐड करेंगे. बेटा आप गूगल में सर्च करोगे सेंसस रिपोर्ट 2011, वहां पे जो भी मतलब इंडिया की लिटरेसी रेट आपको देखनी है, इलिटरेसी रेट देखनी है, इंक्लूडिंग द J&K, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है. तो आप ये इसको देखेंगे कि कितनी लिटरेसी रेट रही थी, कितनी इलिटरेट रेट रही थी, अडल्ट एजुकेशन की कितनी लिटरेसी रेट. तो इसमें ज़रूर क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन आता है कि लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, लिटरेसी रेट ऑफ J&K, वुमेन, मतलब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. तो इट इज़ फॉर यू बेटा, प्लीज़. तो वर्ल्ड लिटरेसी डे इंपॉर्टेंट है, 8th December, ये भी क्वेश्चन आया था. आफ्टर दैट, हाँ, ये वाला पॉइंट मैंने छोड़ा था कि नेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं अडल्ट एजुकेशन के ऊपर, इसको क्या कहते हैं, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, NAEP. तो ये कब ऑर्गेनाइज किया था, 2 अक्टूबर 1978. बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज NAEP, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, 2 अक्टूबर 1978. बेटा प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, अनदर एब्रिविएशन यू कैन से FLAW, FLAW, एफ मीन्स फंक्शनल लिटरेसी फॉर अडल्ट वुमेन. वेरी गुड बेटा, व्हाट इज द डेट, 1975 to 76, FLAW, फंक्शनल लिटरेसी फॉर अडल्ट वुमेन, फंक्शनल लिटरेसी फॉर अडल्ट वुमेन, FLAW. हाँ, इट इज 1975 to 76. वन मोर अब्रिविएशन इज देयर, RFLP, रूरल फंक्शनल लिटरेसी प्रोजेक्ट. यस, रूरल फंक्शनल लिटरेसी प्रोजेक्ट,
After that, SAEP. SAEP. What is SAEP? State Adult Education Program. And after that, what is IAEE? IAEA. Indian Adult Education Association. Ye date important hai, 1939. Beta, please, please and please just remember this. Just remember this. Another is EFA 1990. Education for All. Education for All. Education for All. तो ये सारी abbreviation जो है बहुत ही important है, इसको आप याद रखेंगे, इसको लेकर कल definitely कोई ना कोई question exam में होगा, फिर मत कहना शायद सर ने नहीं पढ़ा है. बेटा I hope इतना ही है. कितना time लगेगा? 5 मिनट time लगेगा. एक बार देखो, दो बार देखो, 10 बार देखो, तो ऐसे याद हो जाएगा. तो these are the some important points related to the adult education. Hope बेटा you have enjoyed the video. तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, and please do subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my latest updates and videos. Thank you, may Allah bless you and keep always learning. हाँ, इसको जरूर please बेटा याद करना.